भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाना देना पड़ता है। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पट्टी जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। सुना आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाना देना पड़ता है। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पट्टी जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी की घेराबंदी करने के चक्कर में इंडी गठबंधन के नेता क्या बोल जाते हैं इन्हें खुद पता नहीं चलता। ऐसे बड़बोले नेताओं की लिस्ट में अब तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने दो दिन पहले राम मंदिर को लेकर एक ऐसा अजीबोगरीब बयान किया जो सीधा हिंदू और सनातन धर्म पर चोट करने वाला है। बीते बुधवार को तेजस्वी यादव मधुबनी गए थे, वहाँ एक कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, खाना मिलेगा वहां उल्टा दान मांग लेंगे, पैर कट जाएगा तो मंदिर जाकर पंडित को दिखाइएगा कि अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाइएगा। सुनिए। लेकिन आप सबको जागना पड़ेगा, आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाना देना पड़ता है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है, जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से भी माफ कर देते, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना, जहां नियत साफ है वही भगवान। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवान न्याय। भगवान कितना अपने बाप दादा पर दादाओं से जाके पूछो कि मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। तेजस्वी बाबा यही नहीं रुके, राहुल गांधी को अपना रोल मॉडल मानने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री बोले मोदी जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं। उन्होंने आज तक झूठ बोले बिना किया ही क्या है? जितना पैसा राम मंदिर पर बर्बाद किया उतने में सैकड़ों लोगों की शिक्षा और चिकित्सा हो जाती। मोदी जी जो है हर जगह केवल भाषण ही नहीं देते भाई, अरे भाषण के अलावा कुछ किए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितना लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। राम को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही ना चाहते भाई? तो सुखी संपन्न खुश तो आपको जब नौकरी मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी, तभी ना हो पाएगा। तो ये लोग तो बनावटी लोग हैं, मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है भाई, बात समझना। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है, मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर भारी मार्केटिंग किया जाता है। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान से सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। एक तरफ बीजेपी ने उनके बयान पर आपत्ति जताई तो वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है।
जेडीयू का कहना है कि बीजेपी के राजनीतिक कृपा से राम मंदिर नहीं बना बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है? तेजस्वी की भाषा को मत देखिए, उनके भाव को समझिए। तेजस्वी ने अपनी भावना व्यक्त की है। वहीं तेजस्वी के इस अटपटे बयान पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ रावण के खानदान वाले लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं। बिल्कुल भी जाति विभेद नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और पहले तो उत्तर हम आपको ये दे देवे कि वहाँ पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए? मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ, अस्पताल विद्यालय आपको बनाने, हम इनके विरोध में नहीं, पर ये हम सबकी आस्था का केंद्र है, सबकी आस्था है, सबकी आस्था है तो हम राम भक्तों की भी आस्था है, हम राम भक्तों की आस्था है तो केवल यही राम भक्तों के मंदिर पर ही अस्पताल क्यों बनना चाहिए? अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनको शेम क्यों? अब जाहिर सी बात है, राम मंदिर और मोदी पर कोई उंगली उठाएगा तो बीजेपी कैसे चुप रहने वाली है? तेजस्वी यादव के इन जहरीले बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा है कि तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में हिंदू विरोधी बयान देने की होड़ मची हुई है। तेजस्वी का बयान हास्यास्पद है, वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। इस खबर में तो फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।